नानी जिनको के यूट्यूब चैनल पे जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ वो आप लोगों के भले के लिए ही सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करता हूँ और आपको सामने की जो भी चीज़ें होती हैं वो एक शॉर्ट रूप में आपको सामने बताता हूँ, जिससे कि आपको नई से नई अपडेट हमेशा मिलती रहे। मेरा मानना ये है कि मैं जिस प्रकरण पे कानपुर मेट्रो में सीएम योगी ने भी किया सफर, ट्रायल रन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि विकास जो है कानपुर मेट्रो का बहुत ही उन्नति में है। कानपुर मेट्रो ट्रायल रन को भी बहुत ही अच्छी प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर बुधवार को कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश के 4 अन्य मेट्रो सिटी के साथ जल्द ही कानपुर भी जुड़ने वाला है। कोरोना महामारी के समय में भी यूपी SRTC ने निर्धारित समय में काम पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगले 1 से 1.5 महीने में पीएम मोदी के हाथों कानपुर विकास में ये सौगात मिलेगी। उन्होंने ट्रायल रन के लिए प्रोजेक्ट में सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 2 साल में मेट्रो का ट्रायल तक के लिए लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कानपुर मेट्रो में पहले फेज में लगभग 9 किलोमीटर का कार्य पूरा हुआ है, जिसमें से 9 मेट्रो स्टेशन हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने औद्योगिक मंत्री सतीश महाना और राज्य मंत्री नीलिमा कटियार के साथ मेट्रो के अंदर जाकर निरीक्षण भी किया। पॉलिटेक्निक डिपो में मेट्रो को ट्रायल रन के लिए रवाना करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर की अपनी औद्योगिक पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे यह औद्योगिक पहचान खोती चली गई। अब मेट्रो चल रही है तो कानपुर एक बार फिर अपनी औद्योगिक पहचान को हासिल कर सकेगा। सीएम बोले कि मेट्रो के आने से ट्रांसपोर्ट बहुत ही सुगम होगा, इसके विकास से तेजी आएगी। कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर भी है, इस सभी के साथ मेट्रो सिटी का भी विकास होगा। प्रदूषण के मामले में भी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से मेट्रो बेहतरीन है, इसकी वजह से शहर का प्रदूषण भी कई स्तर तक कम होगा। संशोधन के अंत में सीएम ने कहा कि कानपुर मेट्रो में लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा उन्नति मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा लोगों को जो यातायात के क्षेत्र में जो लोगों को बहुत ही दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी कि जाम वगैरह, वो बहुत ही कम हो सकेगा और पर्याप्त मात्रा में मेट्रो जो है लोगों को जो है कानपुर स्मार्ट सिटी को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया।